नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स एनालिसिस। तो दोस्तों, आपकी भारी डिमांड के ऊपर दोस्तों मैं वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि SSC GD कॉन्स्टेबल 2018 CAPF दोस्तों, इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, एग्जैक्ट डेट दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आपको मैं बताऊं कि SSC की ऑफिशियल वेबसाइट जो है ssc.nic.in, उसके ऊपर एक नोटिस आया दोस्तों। 14 तारीख को जो नोटिस आया था दोस्तों, उसमें कहा गया था कि जो तीन एग्जामिनेशन है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्शन पोस्ट ग्रुप सी, और थर्ड नंबर दोस्तों जो है ग्रुप CND स्टेनोग्राफरी का, ठीक है। इनके तीन एग्ज़ाम दोस्तों होने हैं, जो कि चलेंगे 13 जनवरी से लेके 7 फरवरी तक, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद अगर आप सेकंड नंबर देखते हैं, तो इस पर लिख रखा है, यहाँ पे अगर आप देखिए, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, यहाँ पर लिख रखा है द डेट्स फॉर SI इन दिल्ली पुलिस की CAPF एंड ASI इन SSF एग्जामिनेशन एंड कॉन्स्टेबल GD इन CAPF NIA SSF GD राइफल मैन असम राइफल 2018 बेरी भी होस्टेड ऑन द वेबसाइट ऑन द कमीशन शॉर्टली। यानी कि दोस्तों उनका कहना है कि पहले सबसे पहले ये एग्ज़ाम्स होंगे, जो 1 जनवरी से 13 जनवरी से लेकर चलेंगे 7 फरवरी तक। स्टेनोग्राफर का एग्जामिनेशन पोस्ट ग्रुप सी का और हिंदी ट्रांसलेटर का, इनके एग्ज़ाम चलेंगे। उसके बाद दोस्तों SI के एग्ज़ाम और GD के एग्ज़ाम इकट्ठे कंडक्ट करवाए जाएंगे, जो कि दोस्तों एक्सपेक्टेड मैं आपको कर सकता हूँ कि एक्सपेक्टेड दोस्तों आपके स्टार्ट हो जाएंगे ये मार्च में, ठीक है। ये बिल्कुल दोस्तों मैं कंफर्म करके कह सकता हूँ आपको बिल्कुल कि एग्ज़ाम इसके जो है मार्च में आपका कंडक्ट हो जाएगा, मार्च में, मार्च के शायद मिड के अंदर, ठीक है। मिड में हो सकता है कि दोस्तों मिड में इसके एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए जाएँ। और दोस्तों मैं आपको यह बताऊं कि इस बार दोस्तों आपको वैकेंसी पूरी बढ़ने वाली है। जी हाँ बिल्कुल, वैकेंसी बढ़ेगी, 60,000 प्लस वैकेंसी जाएगी, ये बिल्कुल मैं लिख के दे सकता हूँ दोस्तों। जैसे कि आपको दोस्तों मैं बताऊँगा, ITBP में बहुत ही लगभग दोस्तों हर हफ्ते वैकेंसी निकल रही है, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग ट्रेड में दोस्तों। तो पक्का मेरे हिसाब से दोस्तों वैकेंसी बढ़ेगी, और बिल्कुल दोस्तों इसका एग्ज़ाम जो आपको मैं बता रहा हूँ, जो मार्च में पक्का पक्का कंडक्ट हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल हो जाएगा बिल्कुल। उन्होंने लिख रखा है कि कमीशन पे वेबसाइट पे जल्दी जल्दी शॉर्ट लिस्ट का नोटिस आएगा इसके एग्जामिनेशन कब होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ बताऊं, इसका जो वेंडर दोस्तों हम तक कन्फर्म नहीं हुआ था, लेकिन दोस्तों एक न्यूज़ आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि TCS जो है टाटा कंसल्टिंग सर्विस, वो इसके वेंडर हो चुके दोस्तों, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर दोस्तों इसके हो चुके, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिपार्टमेंट के। दोस्तों TCS कन्फर्म हो चुका है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया दोस्तों ये सर्विस देते हैं TCS वाले, बहुत ही बेटर, कोई इस तरह का धांधलीबाजी नहीं होगी दोस्तों। और यही बात है दोस्तों, और बाकी इसका एग्जामिनेशन हमारा मार्च में हो जाएगा, तो तैयारी रखें दोस्तों अपनी, अच्छी सी तैयारी रखें। एग्जामिनेशन होगा दोस्तों 100 नंबर का पेपर होगा, कोई 90 मार्किंग क्वेश्चन नहीं होगा दोस्तों, और मिनिमम रख के चलिए दोस्तों 75 नंबर कम से कम ना छोड़ें, ठीक है। क्योंकि आपको पता कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है अभी, चाहे बेशक पेपर हार्ड आए चाहे पेपर आपका आसान है, आपने 75 नंबर से नीचे नंबर नहीं लेने हैं, ठीक है दोस्तों। ये मैं सभी को कह रहा हूँ, चाहे कोई भी कैटेगरी का हो, कोई भी कैटेगरी का हो, 70-75 से नंबर नीचे आपने नहीं लेने हैं, मेरी बात समझिए, ठीक है। तो दोस्तों इसका मार्च में एग्जाम जाएगा। अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं, ताकि आपको फ्यूचर में जो नोटिफिकेशन मैं अपलोड करूँगा आपको मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। जय हिंद, जय भारत।